व टू कंसिडर दिस थिंग इन टू माइंड के सबसे पहले आपको इस सिचुएशन को चेंज करना है इस सिचुएशन को बदलना है इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना है तो लेट्स कंसिडर इस सिचुएशन में कि आप एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक कस्टमर आपको पास आया है किसी कंप्लेन को लेकर किसी प्रॉब्लम को लेकर अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे इस सिचुएशन इस सैनैरियो को जहन में रखते हुए दोबारा रिपीट करने लगा हूं इस सिनेरियो को सिनेरियो क्या है कि आप एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके पास एक कस्टमर आया है जो कि किसी कंप्लेन के लिए आया है किसी प्रॉब्लम के जो फेस की हुई है उसको स्टोर के हवाले से किसी प्रोडक्ट के हवाले से उसके सिलसिले में आया है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है सबसे पहला स्टेप्स आपके पास क्या है यू हैव टू फोकस ऑन कस्टमर कंसर्न्स सो फर्स्ट पॉइंट इज कि आपने कस्टमर के कंसर्न्स के ऊपर फोकस करना है विच मीन्स जैसे ही कस्टमर आपके पास आया है उस कम्प्लें को लेकर आपने फोकस अपना सारा उस कस्टमर की तरफ सबसे पहले कर लेना है उस कस्टमर के पा के ऊपर फोकस करने के बाद जो उसके कंसर्नस हैं आपने उसके कंसर्नस को फोकस करना है कि एक्चुअली वो किसी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की कम्प्लेन करने के लिए आया है वो मसला क्या है वो चीज़ क्या है जिसके ऊपर वो कंप्लेन कर रहा है इसके ऊपर देर आर टू गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इट जिस तरीके से एक कस्टमर वॉलमार्ट के अंदर गया उसने वॉलार्ट इंटरनेशनल वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट वॉलमार्ट के अंदर गया और ही वॉज एक्चुअली अ ड्रंक कस्टमर वहां पर गया उसने बहुत ज्यादा शोर शराबा किया एंड देन ही वॉन्ट टू एक्चुअली रिटर्न हिज टाई टू वॉलमार्ट रिजल्टेंटली वॉलमार्ट के कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने प्रॉपर फोकस होकर प्रॉपर अटेंशन के साथ उसकी बात सुनी और कंसिडरिंग कि उस कस्टमर की कंडीशन ऐसी नहीं है बिकॉज एक्चुअली ही वॉज नॉट इन अ सेंसेज उसने उस कस्टमर से वो टाई वापस ले ली रिटर्न ले ली और कस्टमर को हंड्रेड डॉलर जो कि कस्टमर डिमांड कर रहा था कि रिटर्न माई हंड्रेड डॉलर एंड यू कैन टेक बैक दिस टाई तो देन वो टाई उन्होंने उससे वापस उससे ले ली और कस्टमर को हंड्रेड डॉलर्स रिटर्न कर दिए कुछ देर के बाद कुछ अरसे के बाद कुछ टाइम के बाद वो कस्टमर को जब ही वॉज़ बैक इन देंसेज ही रियलाइज कि एक्चुअली ये टाई तो मैंने वॉलमार्ट से बाय ही नहीं की थी he came back to the customer service representative at a Walmart store. ये बात पूछने के लिए कि आपसे जब मैंने टाई बाय नहीं की तो फिर आपने क्यों वो टाई मुझसे रिटर्न लेके मुझे हंड्रेड डॉलर वापस कर दिए तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने उसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया एलेबरेट किया जो कि एक्चुअली वॉलमार्ट की सक्सेस का वन ऑफ द पिलरस है कि सर एक्चुअली यू आर नॉट इन योर सेंसेज एंड स्टिल आप फिर भी यू केम एट द वॉलमार्ट तो अगर आप सेंसिस में ना होते हुए भी वॉलमार्ट ही आ रहे हैं कंप्लेन करने के लिए इसका मतलब है वेन यू विल भी इन सेंसिस फॉर श्योर यू आर इन लव विद वॉलमार्ट तो वी रियली लाइक एंड लव आवर कस्टमर्स तो हम कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते ये तभी होगा जब आप कस्टमर के कंसर्नस के ऊपर फोकस कर सकेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप कौन सा है इज एम्पावर फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज लेट्स आप किसी कंप्लेन के लिए गए हैं एज ए कस्टमर रिटेल स्टोर के ऊपर और जो स्टाफ आपको डील कर रहा है वो स्टाफ एक्चुअली फ्रंट लाइन एम्प्लॉज कहलाता है फ्रंट लाइन स्टाफ कहलाता है सो so, वो जो फ्रंट लाइन स्टाफ है वो कहता है कि सर आपकी कंप्लेन एक्चुअली मैं खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकता द मैनेजर कैन हेल्प इन शॉर्टिंग आउट दिस कंप्लेन इसका मतलब ये है कि आपका फ्रंट लाइन स्टाफ जो कि कस्टमर से डीलिंग कर रहा है दे आर नॉट एम्पावर्ड सो हाउ यू कैन टर्न अराउंड दिस सिचुएशन कि आप अपनी टीम को जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं आपको उनको एम्पावर करना है जब आप उनको एम्पावर करेंगे तो रिजल्टेंटली जो वीक कस्टमर सर्विसेज होंगी वो टर्न अराउंड होके आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाएंगी आपकी स्ट्रांग कस्टमर सर्विसेज बन जाएंगी थर्ड स्टेप के ऊपर आते हैं थर्ड स्टेप है शो दैट यूअर लिस्टिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको कस्टमर को बताना है कि आप कस्टमर को सुन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है और कस्टमर को ये फीलिंग आए कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं प्रॉपर तवज्जो के साथ तो कस्टमर फ़ौरन एनॉयड होगा और गुस्सा होगा और डिसअपॉइंटेड होगा एक तो दुख उसे प्रोडक्ट का है कंप्लेन का है दूसरी तरफ उसको इस बात का है कि आपने उसे सुना नहीं प्रॉपर तरीके से या आप यू आर नॉट लिसनिंग यू आर नॉट पेइंग प्रॉपर

कि उसकी बात सुनी जा रही है उसकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से हो रही है ताकि अगर आप उसकी बात सुनेंगे उसी कंप्लेन को सुनेंगे तभी आप उसको कोई अप्रोप्रिएट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकेंगे फोर्थ स्टेप के ऊपर आते हैं हम फोर्थ स्टेज के ऊपर आते हैं एक्सप्रेस सिंसियर अंडरस्टैंडिंग ये वाला पार्ट आपको क्या करना है कस्टमर को एक्सप्रेस करना है सिंसेयर अंडरस्टैंडिंग जो बात जो कंप्लेन जो कंसर्न उसके हैं आप यू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट आपको उसी तरीके से बात समझ आ गई है जिस तरीके से वो कस्टमर आपको उस कंप्लेन को उस प्रॉब्लम को उस प्रोडक्ट के बारे में इशू को कंसर्न को समझाना चाह रहा है अगर आप इस तरीके से प्रॉपर एक्सप्रेस कर सकते हैं विद योर एक्सप्रेशन विद योर बॉडी लैंग्वेज तो कस्टमर विल फील गुड अबाउट इट उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता प्रॉब्लम पार्शली सॉल्व होता है स्टिल विद दिस आप वाकई टर्न अराउंड कर सकते हैं वी कस्टमर सर्विसेज से गोइंग टू अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विसेज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आते हैं अपॉलॉजाइज एंड एं रेक्टिफाई द रेक्टिफाइडन सो so, हमारे पास दो पार्ट हैं इसके इस स्टेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू विद द कस्टमर इट इज योर मिस्टेक एज ए रिटेलर इट इज योर मिस्टेक एज ए रिप्रेजेंटेटिव और इट इज कस्टमर मिस्टेक किसी की भी मिस्टेक है यू हैव टू पॉलजाइज बिकॉज कस्टमर इज द किंग इज कस्टमर इज दोबान जिसके लिए हम सब काम कर का रहे हैं जिसके लिए आप काम कर का रहे हैं मैं काम करूं जिसके लिए रिटेलर काम कर रहा है जिसके लिए वो इंप्लॉई काम कर रहा है जिसको सैलरी भी कस्टमर के होने की वजह से ही मिलती है सो so, आपको क्या करना है एक्सेप्ट करना है पॉलोजाइज करना है एंड देन यू हैव टू ऑफर हिम यू हैव टू रेक्टिफाई द सोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है वो कैसे करना है आपके पास सो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू ले आउट के जहां पर यू कैन गिव रियली अ टू द कस्टमर रियलीटली फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपके पास आया और उसने बताया कि मैंने आपसे ये मीट बाइक की और इस मीट में से मुझे स्मेल आ रही है फिश बाइक की से मुझे स्मेल आ रही है इट इज नॉट फ्रेश मैं घर लेकर गया हूँ मैंने चेक किया द प्रोडक्ट इज नॉट फ्रेश वट यू हैव टू डू कंसर्न समझे प्रॉपर फोकस के साथ आप इम्पावर हो क्या आप अपने डिसीजन ले सकें जब आप लिसन करेंगे प्रॉब्लम प्रॉब्लम को अपोलोजाइज करेंगे कस्टमर से यू कैन इजीली सॉर्ट आउट यू कैन ईजिली टर्न द टेबल आप कस्टमर को अच्छी कस्टमर सर्विसेज दे सकेंगे ये तभी होगा और ये वीक कस्टमर सर्विसेज को ओवरकम सकेंगे ये तभी होगा जब ये सारे स्टेप्स ये पांचों स्टेप्स आप फोकस करेंगे इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और देन इसको रूटीन का हिस्सा बनाएंगे दैट इज दी वे कि यू कैन रियली टर्न अराउंड योर वीक कस्टमर सर्विसेज तो हमने इस टॉपिक के अंदर पांच मेजर स्टेप डिस्कस किए विच इज फोकसिंग ऑन कस्टमर कंसर्न्स एम्पावरिंग द फ्रंट लाइन इंप्लॉज शोइंग दैट यू आर लिसनिंग एक्सप्रेस सिंसियर अंडरस्टैंडिंग विद द कस्टमर एंड देन अपोलोजाइज एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम और रेक्टिफाई द सिचुएशन करेक्ट करना है concerns, customer, आपको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं That is the way, that is the solution of turning around peak customer services.